हेलो फ्रेंड्स, यदि आप नए साल में नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं या फिर आप अपने पुराने ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल कराना चाहते हैं तब यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, 1 जनवरी 2024 से ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित काफ़ी नियमों में परिवर्तन किया गया है। कुल 5 प्रकार के नियमों में परिवर्तन किया गया है। यदि आप लर्निंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं या फिर रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं या फिर ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल कराना चाहते हैं या फिर एक्सपायर्ड ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल कराना चाहते हैं तो इससे संबंधित नए नियम 1 जनवरी 2024 से लागू हो चुके हैं। अगर आपको यह जानकारी नहीं है तब आप कभी भी फंस सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित नए नियम क्या बनाए गए हैं और आप इसको फॉलो करके कैसे आसानी से अब ड्राइविंग लाइसेंस आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के नए नए जानकारियाँ और नए नए वीडियोस आपको सिर्फ इसी चैनल पर मिलते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। सबसे पहला जो अपडेट आया है उसके अनुसार अब आपके लिए नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट के ही RTO में लाइसेंस, लर्नर लाइसेंस जो होता है, अप्लाई करने की बात तक खत्म कर दी गई है। आप अपने स्टेट के किसी भी जिले के RTO से यह काम कर सकते हैं। पूरी प्रक्रिया लर्नर लाइसेंस अप्लाई करने की अब ऑनलाइन कर दी गई है। मतलब पहले ऑफलाइन मोड में आपको करना पड़ता था, अब पूरी लर्नर लाइसेंस बनवाने की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। अब आपको RTO जाने की कोई जरूरत नहीं है, किसी दलाल की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन माध्यम से अपने स्टेट के किसी भी RTO ऑफिस से अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन कॉन्टैक्ट लेंस सर्विस और फेसलेस फैसिलिटी की सुविधा भी आपको दी जाएगी। दोस्तों, यह बहुत बड़ा अपडेट है, खासकर लर्नर लाइसेंस बनवाने वालों के लिए, कि अब आपको अपने जिले के RTO की बाध्यता खत्म कर दी गई है। आप अपने राज्य के किसी भी RTO में जाके बनवा सकते हैं। साथ ही साथ आप यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन कर सकते हैं, आपको ऑफिस RTO ऑफिस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो दूसरा अपडेट आया है वो भी बहुत बड़ा अपडेट है कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब आपको अपने स्टेट के किसी भी RTO में ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये रेगुलर ड्राइविंग, मैंने पहले जो बताया वो लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस का था, ये रेगुलर लर्निंग के बाद जो होता है रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ उसके नियमों में क्या परिवर्तन किया गया। तो पहला जो परिवर्तन किया गया है कि आप अपने स्टेट के किसी भी RTO ऑफिस में, मतलब आप पहले बाध्यता थे कि आप अपने जिला या बगल वाले जिले से ही सिर्फ बनवा सकते थे, लेकिन अब आप अपने स्टेट के किसी भी RTO ऑफिस में इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ हैवी लाइसेंस बनवाने, देखिए ये बहुत बड़ी खबर है, जो पहले 8वीं पास की बाध्यता थी कि आपको अगर हैवी ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो आपको 8वां पास होना चाहिए था, अब उसकी बाध्यता को खत्म कर दिया गया है। अब 8वीं पास वाली जो बाध्यता थी ड्राइविंग, हैवी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए, उसकी बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। यानी अगर आप पढ़े लिखे नहीं भी हैं तब आप हैवी ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट में भी बड़ा बदलाव किया जा रहा है, जिसके तहत अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस लेते समय उसके जो पहले 3 टेस्ट होते थे, अगर तीनों टेस्ट में आप फेल हो जाते हैं तब आपको चौथी बार भी मौका दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर ड्राइविंग लाइसेंस लेने की प्रक्रिया में आप 3 टेस्ट भी फेल हो जाते हैं, जैसे पहले था कि 3 टेस्ट फेल हो जाने पर काफ़ी दिक्कत होता था, अब आपको एक चौथी टेस्ट देने का भी सुविधा दिया जाएगा, जिसे रेमेडियल ड्राइवर, लेकिन इसको करने के पहले आपको एक छोटा सा रेमेडियल ड्राइवर ट्रेनिंग कोर्स करना पड़ेगा, जिसकी सुविधा आपको RTO ऑफिस में मिल जाएगी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब 3 ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट 1 हफ्ते के अंतराल में दे सकते थे पहले, लेकिन अब चौथा टेस्ट जोड़ा गया, जिसको देने के लिए आपको यह रेमेडियल ट्रेनिंग कोर्स करना पड़ेगा और इसके बाद आप चौथा टेस्ट आराम से दे सकते हैं। जो तीसरा अपडेट आया है यह भी अपडेट काफ़ी बड़ा है। अगर आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित कोई कैटेगरी को जोड़ना चाहते हैं या उसमें कोई बदलाव करना चाहते हैं तब यह काम भी आप अपने राज्य के किसी भी RTO से कर सकते हैं। इसमें आपको अपने जिले जो जहां से ड्राइविंग लाइसेंस पूर्व में बना है वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने राज्य के किसी दूसरे RTO ऑफिस में भी जाकर अपने ड्राइविंग लाइसेंस की कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं।
जो चौथा अपडेट आया है, यह अपडेट जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसमें जो बनाए गए हैं ये उम्र से संबंधित है कि आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो कितने दिन वैलिड रहेगा, आपके ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी से संबंधित है, इसकी जानकारी होना आपको बहुत जरूरी है। नहीं तो ड्राइविंग लाइसेंस लैप्स हो जाने के बाद भी बहुत परेशानी हो जाती है। तो इसमें जो एज सीमा जो फिक्स की गई है वो दी गई है कि अगर आप जैसे कि पहले कमर्शियल के लिए मैं बता देता हूँ जनरल, पहले कमर्शियल लाइसेंस की जो वैधता थी वैलिडिटी थी आपको पता होगा कि 3 साल थी, अब उसको बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया है। इसके अलावा हजार्डियस लाइसेंस की वैधता जो पहले 1 साल थी अब उसको बढ़ाकर 3 साल कर दिया गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस एज कैटेगरी में किस एज ग्रुप वालों के लिए लाइसेंस कितना दिन वैलिड रहेगा, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। 18 मैं स्क्रीन पर भी इसको लिख कर दिखा दूंगा कि आप आसानी से पढ़कर समझ सकते हैं कि क्या कितना समय तक आपका लाइसेंस वैलिड है। 18 से 30 साल के एज ग्रुप वालों का जो वैलिडिटी है अब वो 40 साल तक वैलिड रहेगा। मतलब जिन लोगों, अगर आपकी उम्र 18 से 30 साल के बीच है और अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बना रहे हैं तब उसकी वैलिडिटी आपके 40 साल होने तक उसकी वैलिडिटी बनी रहेगी। मतलब आज 18 साल की स्थिति में बना रहे हैं, 40 साल तक मतलब 22 साल आपका ड्राइविंग लाइसेंस का वैलिडिटी रहेगा। 40 साल होने के बाद आपको रिन्यूअल कराना पड़ेगा। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाते समय आपकी उम्र 30 साल से लेकर 50 साल के बीच है तब उसकी वैलिडिटी 10 साल कर दी गई है। मतलब अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस 30 साल की उम्र में बना रहे हैं या आप 50 साल के उम्र में तब उसकी वैलिडिटी 10 साल रहेगी और 10 साल के बाद आपको रिन्यूअल कराना होगा। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस 50 साल से लेकर 55 साल के बीच बना रहे हैं तब उसकी वैलिडिटी आपको आपके 60 साल होने के समय तक रहेगी। मतलब अगर 50 साल का बना रहे हैं तो 10 साल मतलब 60 साल, और अगर 55 साल की उम्र में बना रहे हैं तो 60 साल मतलब आपको 5 साल हो जाएगी। मतलब मैक्सिमम एज 60 साल तक ही आपका वैलिड रहेगा। जो चौथा अपडेट आया है इसमें दिया है कि अगर आप 55 साल से उम्र से ज्यादा हैं और तब आप ड्राइविंग लाइसेंस बना रहे हैं तब उसकी वैलिडिटी को 5 साल कर दिया गया है। मतलब आप 55 56 57 58 साल के हैं तब ड्राइविंग लाइसेंस बना रहे हैं तब उसकी वैलिडिटी 5 साल रहेगी। और लास्ट जो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित, तो वो यह है कि इस नियम के तहत अब ड्राइविंग लाइसेंस का ग्रेस पीरियड, मतलब जो ग्रेस पीरियड पहले 1 महीना था अब उसको बढ़ा दिया गया है। क्या बढ़ाया गया है आप देख लीजिए, पहले आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस के एक्सपायरी डेट का 1 महीना पहले या फिर ड्राइविंग लाइसेंस के एक्सपायरी डेट के 1 महीना के बाद तक रिन्यूअल करा सकते थे बिना पेनाल्टी के। अब उस समय को बढ़ाकर मतलब आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस की एक्सपायरी होने से 1 साल पहले और ड्राइविंग लाइसेंस के एक्सपायरी होने के 1 साल बाद तक बना सकते हैं, 1 साल बाद तक बिना लेट फीस और बिना पेनाल्टी के रिन्यूअल करा सकते हैं। मतलब जो ग्रेस पीरियड पहले 1 महीना ड्राइविंग लाइसेंस के एक्सपायरी होने से 1 महीना पहले था और ड्राइविंग लाइसेंस के 1 महीना बाद तक आप बिना फाइन और पेनाल्टी के बनवा सकते थे, अब उस पीरियड को बढ़ाकर 1 साल कर दिया गया है। मतलब जिस तारीख को आपका ड्राइविंग लाइसेंस खत्म हो रहा है, एक्सपायर हो रहा है, उसके 1 साल पहले आप उसका रिन्यूअल करा सकते हैं या फिर एक्सपायरी के 1 साल बाद तक आप उसका रिन्यूअल करा सकते हैं बिना लेट फाइन और बिना पेनाल्टी के। अब इसमें एक ध्यान रखने वाली बात है कि 1 साल के बाद ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल कराने के लिए आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा जो पहले भी लागू था, इसलिए समय रहते आपको ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यूअल करा लेना चाहिए। तो एक यह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी कि किस प्रकार से आपका जो पहले 1 महीना पहले ड्राइविंग लाइसेंस आप रिन्यूअल करा सकते थे अब उसकी समय सीमा को बढ़ाकर 1 साल कर दिया गया है या फिर एक्सपायरी होने के 1 साल बाद तक आप बिना फाइन पेनल्टी के रिन्यूअल करा सकते हैं, साथ ही आपको पुनः टेस्ट देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों 2024 के शुरुआत में केंद्र सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत आरटीओ के बहुत सारे अधिकारों में बदलाव किए हैं तथा आम जनता को आसानी से किस प्रकार से ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं, खासकर लर्नर लाइसेंस अब बिना आरटीओ ऑफिस गए आप ऑनलाइन माध्यम से भी बना सकते हैं, इससे काफ़ी समस्याओं का आसान हो जाएगा। पहले जैसा कि सब लोगों को पता ही है कि बिना दलालों के कोई भी कार्रवाई आरटीओ ऑफिस में नहीं हो पाती थी, लेकिन अब आप ऑनलाइन बनवा कर बिना गए हुए
बिना गए सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करके लर्नर लाइसेंस आप बनवा सकते हैं। साथ ही साथ आपको अपने जिले से लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की बाध्यता को भी अब समाप्त कर दिया गया है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी होगी। अगर इससे संबंधित कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको अगले वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।